माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब प्रवास करना, मतलब जगह बदल के चले जाना। मान लो जैसे किसी भी जगह पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को ना तो वहां पे कन्फर्मर कर पा रहे, ना वो रेगुलेट कर पा रहे, तो उसकी वजह से वो अपनी जगह चेंज करके भी जा सकता है। जैसे ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया, मतलब ऐसी जगह पे जा सकता है ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्ट्रेसफुल हैबिटेट का मतलब जहां पे उसको रहने में प्रॉब्लम आ रही है, उस एरिया को छोड़ के वो मतलब एक सेंसशील एरिया के अंदर, मतलब एक अच्छे एरिया के अंदर वो जा सकता है। एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर, और उसके बाद वो अपने नॉर्मल हैबिटेट में कब लौट के आता है, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन है वो मतलब वहां से खत्म हो चुकी होती है। एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमन एनालॉग, ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर, जैसे गर्मियों में ज्यादातर हम किस जगह पे टूर ट्रेवलिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, जो ठंडे एरिया होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो दिल्ली वाला बंदा कहाँ जाएगा शिमला के अंदर गर्मियों में घूमने के लिए। और मैनी एनिमल्स पार्टिकुलरली, इसी प्रकार से काफी सारे जो जानवर हैं इनमें ज्यादातर पक्षी आ जाते हैं, बर्ड्स, वो विंटर के टाइम पे जिन देशों में ज्यादा ठंड पड़ती है उनसे मतलब ऐसे एरिया में आ जाते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, बहुत दूरी तय करते हैं। जैसे हम हवाई जहाज में सफर करके दूसरे देशों में जाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से बहुत दूर तक उड़ के आते हैं, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, रुक रुक के आते हैं, काफी टाइम भी लग जाता है उसमें। तो माइग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, तो वो हायर क्लासेज में ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। तो जो माइग्रेशन में क्या करते हैं, पक्षी अपनी जगह को छोड़ के चले जाते हैं, और जब भी वो जगह जहाँ पे वो छोड़ के आए हैं वो नॉर्मल हो जाती है, तो वापस वो अपनी जगह पे चले जाते हैं। केवलाडो नेशनल पार्क, केवलादेव जो नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर है, राजस्थान में, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, तो वहाँ पे एक नेशनल पार्क है ये। तो वहाँ पे क्या है, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया देश से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ पे, हर सीजन में जो विंटर सीजन है उसमें हजारों की संख्या में आते हैं, मेजबानी करता, मतलब मेजबानी का मतलब उनका स्वागत करता है, मतलब वहां पे आते हैं ये इतने सारे पक्षी, मतलब उनको रहने की जगह देता है, वही मेजबानी है इनके लिए। तो एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन, साइबेरिया से भी आते हैं, और साथ में कुछ ऐसे ठंडे एरिया से, उत्तरी क्षेत्र है, जैसे उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, तो ज्यादातर उत्तरी ध्रुवों से बहुत सारे पक्षी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, तो वहां से आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है, ऐसा ही एक माइग्रेटरी बर्ड है। इसलिए इनको देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं जो विंटर में बहुत बार जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए। उसके बाद है सस्पेंड, सस्पेंड एक अलग मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ को रोक लिया जाता है। जैसे थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, वो बीज जिनके ऊपर मोटी परत होती है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, लोअर प्लांट, कुछ छोटे प्लांट होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह, लिवरमोसिस, एल्गी वगैरह, तो उनके अंदर क्या होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर बनते हैं जो कि उनको अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखते हैं, मतलब जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, रहने लायक नहीं होती, तो उसमें उनको मरने से बचाते हैं। एंड जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, और जैसे ही एनवायरनमेंट ठीक ढंग का हो जाता है तो उस टाइम पे ये सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। डोरमेंसी क्या होता है, एक स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन हायर प्लांट, ये बड़े प्लांट्स में देखने को मिलती है डोरमेंसी। तो इसके अंदर क्या होता है, सीड एंड अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स, तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो उस केस में जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं वो, या फिर कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो सकती हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, कुछ एक डोरमेंट स्टेज में चली जाती हैं, और तभी वो जर्मिनेट करेंगी जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं। तो छोटे जीवों में जो छोटे स्पोर बनते हैं, जबकि बड़े जीवों में सीड बनते हैं, और सीड डोरमेंट स्टेज में जाता है। ये प्लस वन क्लास के अंदर भी एक टॉपिक आता है डोरमेंसी का, जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में सीड डोरमेंसी, तो वो हेल्पफुल भी होती है। उसके बाद है इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर हिबरनेशन ड्यूरिंग विंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्केप इन टाइम, तो एक हिबरनेशन होती है जिसको समर स्लीप हिबरनेशन विंटर स्लीप बोलते हैं, जिसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ठंड में दिखाई नहीं देंगे, जैसे छिपकलियां होती हैं, वाले जाड़ होती हैं जो कि ठंड में नहीं दिखाई देंगी, गर्मियों में आती हैं वो, तो वो क्या करती हैं, जो भी खाना पानी है गर्मियों में इकट्ठा कर लेती हैं, और उसके बाद ठंड में वो रह नहीं सकती हैं क्योंकि इनके एंजाइम में काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए वो किसी भी ऐसी जगह ढूंढ लेती हैं जहाँ पे वो छुप के रहती हैं, सारा विंटर सीजन वहीं पे ही गुजारेंगी वो, और एक ही जगह पे पड़ी रहती हैं, ज्यादा हिलती डुलती भी नहीं है, अपनी मेटाबॉलिक रेट को भी कम कर लेती हैं।
और ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मियों के टाइम पे वो नहीं मिलेंगे, जैसे स्नेल और फीस हैं, ऐसे जीव हैं ये गर्मियों में एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जिसमें अपना जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको कम कर लेते हैं। डाइपोज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ऑफ मैनी जू प्लैंकटोन स्पीसीज इन अनफेवरेबल कंडीशन इन लेक्स एंड पोंड। तो इसमें क्या होता है, डाइपोज स्टेज ये स्पेशली ऐसे जू प्लैंकटोन मतलब जो तैरने वाले जीव होते हैं पानी के अंदर, जो पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं, फाइटोप्लैंकटोन भी होते हैं, जू प्लैंकटोन, प्लैंकटोन मतलब फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जू में एनिमल आ जाते हैं जो पानी की सरफेस पे तैरते रहते हैं, तो एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है वो वहां पे रुक जाती है, और किस केस में, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे जो लेक या पोंड है उनमें पाई जाती है, या स्टेज डाइपोज स्टेज, मतलब पोज क्या होता है रुकना, तो ये एक स्टेज है वो ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल में ही पाई जाती है।